18 फरवरी को पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश किए जा रहे राज्य के नए साल के बजट बारे विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये बजट राज्य की मुख्य समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। तपा मंडी के नजदीकी गांव ताजोके के तपस्थान संत बाबा पंजाब सिंह के मुख्य सेवादार बाबा गुरचरण सिंह संक्षिप्त बीमारी के बाद ब्रह्मलीन हो गए। सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर में हर उम्र वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के फैसले पर दायर समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीती रात अमृतसर के ऐतिहासिक गांव सुल्तान विंड में गोली लगने के कारण एक अकाली वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। ओडिशा के बीजेडी सांसद लड्डू किशोर स्वैन का 71 साल की आयु में निधन हो गया। वह बीजेडी के टिकट पर पिछले लोकसभा चुनाव में अस्का लोकसभा सीट से चुने गए थे। जलंधर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट वाड्रा बीती रात लंदन से दिल्ली लौट आए हैं। वह मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय में पेश होंगे। अपनी मांगों को लेकर कल से धरने पर बैठी ठेका आधारित नर्सों में से 6 नर्सें आज प्रातःकाल 4 बजे के करीब रजिंद्रा अस्पताल की बिल्डिंग पर चढ़ गई। भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के संचार उपग्रह जीसेट 31 को यूरोपीय कंपनी की ओर से बुधवार देर रात 2 बजे के करीब फ्रेंच गुआना स्थित परीक्षण स्थल से लॉन्च किया गया। जलंधर की शास्त्री नगर मार्केट में चली गोलियों में एक की मौत हो गई।